गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस न्यू ब्लॉग। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना सुबह 5 बजे वाला मॉर्निंग रूटीन। सो बेसिकली हर हफ्ते ही मेरा मॉर्निंग रूटीन 3 तरह का होता है। हफ्ते में 2 से 3 दिन मेरे हस्बैंड ऑफिस जाकर काम करते हैं, तो उस दिन मैं 5 बजे उठती हूँ बिकॉज़ ही लीव्स बाय 6:30 इन द मॉर्निंग। बहुत जल्दी उन्हें जाना होता है। एक्चुअली मैं ना लाइफ में पहले कभी भी इतनी मॉर्निंग पर्सन नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे लाइफ सब कुछ सिखा ही देती है एंड अब तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, एंजॉय वेकिंग अप अर्ली, क्योंकि उसमें ना मुझे अपने ऊपर भी थोड़ा टाइम देने को मिल जाता है बच्चों के और घर के साथ साथ। तो मुझे ज़्यादा प्रोडक्टिव फील होता है जब भी मैं जल्दी उठती हूँ। सुबह उठते ही आई ऑलवेज वेक अप थर्स्टी, तो एक टॉल ग्लास ऑफ वाटर एंजॉय किया, उसके बाद फिल्टर से एक ग्लास पानी लिया है, तो एक बॉटल पानी डालना तो बनता ही है, राइट? आप भी ऐसा करते हो क्या? मुझे ना थोड़ा थोड़ा OCD टाइप का है, तो मुझसे आई कैंट टॉलरेट सच थिंग्स। एनीवेज मैंने फटाफट से पहन लिया अपना फिटबिट, क्योंकि अगर मैं इस समय भूल गई ना पहनना तो फिर मैं भूल ही जाऊँगी, फिर मैं पहन ही नहीं पाऊँगी। और उसके बाद रात को मैंने दही जमा के रखा था, बट फर्स्ट क्लास दही जम गया है। अब इसको रख देती हूँ फ्रिज में। फ्रिज खोला ही है तो साथ की साथ सारी की सारी जो भी प्रिपरेशन मुझे करनी है उससे ज़रूरत का सारा सामान एक ही साथ निकाल दूँगी। आज मैंने सोचा है चिपोटले स्टाइल राइस बोल यानी कि बरीटो बोल बनाने का, पर मैं बनाने वाली हूँ राइस की बजाय किनुआ से। लगभग 1.5 से 2 महीने हो गए हैं मैं और हस्बैंड दिन में 2 बार ही ग्लूटेन फ्री खाना खाना प्रेफर करते हैं। आजकल मैं बहुत सारी ग्लूटेन फ्री रेसिपीज़ इसीलिए ट्राई कर रही हूँ। मैंने रात को ही राजमा भिगो के रख दिए थे। अब मैं उनको जिस पानी में सोक किया था उसे डिस्कार्ड कर दूंगी और उसके बाद फ्रेश पानी भरकर सबसे पहले राजमा को बॉयल होने रख देते हैं, क्योंकि इनमें लगने वाला है टाइम। रीफ्राइड बीन्स बनाने के लिए मैंने राजमा भिगोए हैं और साथ में ना रात को ही मैंने थोड़ा किनुआ भी सोक करके रख दिया था। आप जब भी कोई मिलेट्स या ऐसी कोई ग्रेन्स बनाए ना, उन्हें सोक करना बहुत अच्छा रहता है और जो भी सोकिंग का पानी होना होता है ना उसे डिस्कार्ड कर देना चाहिए। इस पानी को आप चाहो तो ना पौधों के लिए यूज़ कर सकते हो, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पौधों को ये एज अ फर्टिलाइज़र काम करते हैं। लेकिन अभी ना मैंने इनका स्टोरेज सिस्टम स्टैब्लिश नहीं किया, इसलिए मैं अभी सारा का सारा ही डिस्कार्ड करते हुए दिख रही हूँ आपको। आई हैव टू कम अप विद अ बेटर स्टोरेज सिस्टम ऑफ दिस वाटर सो दैट मैं जाके इसको प्लांट्स में फटाफट दे पाऊँ। तो जो भी आप सोक करते हो ना पानी, उसे डिस्कार्ड कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें आ जाते हैं एंटी न्यूट्रिएंट्स सारे सोक करते हुए ओवरनाइट, और उसके बाद आप फ्रेश पानी में इसको कुक करेंगे तो दे विल बी बेटर डाइजेस्टेड। तो अब सबसे पहले राजमा को रख देते हैं ताकि ये धीरे धीरे उबलते रहेंगे। चिपोटले बरीटो बोल में ना इजी 5-6 चीज़ें बनती हैं, लेकिन आइटम्स नंबर ऑफ आइटम्स 5-6 होते हैं, तो मैं सारे 1 by 1 आपके साथ शेयर करूँगी। और राजमा को उबलते हुए मैं इसमें घी डाल रही हूँ, थोड़ा सा बस 5-6 बूंदे, और नमक। एक्चुअली जब भी आप कोई हार्ड ग्रेन्स पकाओ ना तो उनमें बॉयल करते हुए अगर आप थोड़ा सा फैट डाल दोगे, आई प्रेफर घी, अगर ऑयल भी डालना है तो आप डाल सकते हो, बट डेफिनेटली यूज़ अ बेटर वर्जन। तो वो थोड़ा सा डाल देंगे ना तो उन ग्रेन को बेटर डाइजेशन मिलेगा आपकी बॉडी में और बहुत हेल्प होगी बॉडी को उन्हें डाइजेस्ट करने में। सिमिलरली मैंने किनुआ को भी डबल पानी में बॉयल होने रख दिया है थोड़े से घी और नमक के साथ। फटाफट से किनुआ बॉयल हो जाएगा, उसके बाद हम इनसे बनाएंगे सिलेंट्रो लाइम राइस की तरह, वही जो चिपोटले का होता है ना वैसा ही सिलेंट्रो लाइम किनुआ बनाएंगे। नेक्स्ट आइटम जो मैं बना रही हूँ वो मैं बना रही हूँ कॉर्न एंड पीस सालसा। ये जो मटर आप देख रहे हो ना, ये मेरे गार्डन के फ्रेश मटर हैं, मैंने हार्वेस्ट कल ही की थी एंड आधे मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिए और अब थोड़े से बचे हैं, आधे मैंने शेयर कर दिए, आधे हम ऐसे ही फटाफट कच्चे मटर थे, अच्छे टेस्टी तो हम सब ने खा लिए। और अब ये थोड़े से जो मटर बचे थे ना उनका मैंने सोचा क्या बनाऊँ कि इनका टेस्ट
पूरा का पूरा आए और बहुत इन्जॉयमेंट हो मैंने खाने में, क्योंकि गार्डन की जो ऑर्गेनिक और फ्रेश सब्जियां होती है ना, आई होप यू अंडरस्टैंड, उनका मज़ा ही कुछ और होता है। तो मैं आज इनसे कॉर्न एंड पीस सालसा बना रही हूँ। तो पील करके इनको एक दो बार वॉश कर लिया थोड़ा सा, उसके बाद इन्हें ना बॉयल करना है। तो पानी बॉयल होने मैंने पहले ही रख दिया था, साथ में पहले मटर को 1-2 मिनट तक बॉयल होने देंगे, उसके बाद कॉर्न डालेंगे, क्योंकि कॉर्न मैं फ्रोज़न ही यूज़ कर रही हूँ। अगर फ्रेश कॉर्न यूज़ करना है ना तो साथ के साथ ही डाल दें, वरना मटर के 1-2 मिनट बाद डाल दें। और इन दोनों को अब तब तक बॉयल करेंगे जब वो वाटर सरफेस पे ना आ जाए। और यहाँ अब मैं बाकी की चॉपिंग में लग गई हूँ। मैं हर तरह की चॉपिंग कर रही हूँ। अब मुझे सालसा में भी थोड़े से अनियन एंड टमाटोज डालने हैं। फिर मैं बनाने वाली हूँ फहीताज। फहीताज ना बेसिकली स्टर फ्राइड बेल पेपर्स होती हैं और अनियंस, तो उनको मैक्सिकन लोग फहीताज बोलते हैं। स्पेलिंग तो FAJI होती है, बट दे प्रोनाउंस इट एज फहीता। तो वो काफ़ी अच्छा लगता है इसके साथ खाने में। बनाना सब चीज़ों को ही बहुत आसान है, जल्दी जल्दी भी बन जाते हैं, बस एलिमेंट्स हैं इस डिश में बहुत सारे। तो चॉपिंग एंड कटिंग एक साथ भी सारी हो जाए तो कन्वीनियंट हो जाता है। ये देखिए, यहाँ मटर और पीज और कॉर्न दोनों बॉयल हो चुके हैं, और किनुआ भी बॉयल हो रहा है, थोड़ी सी कसर बची है। किनुआ को कभी भी फ्लफी बनाना हो ना तो बस आप ओवरनाइट सोक करें और फिर डबल वाटर में आप पैन में बनाएं, बिल्कुल फ्लफी किनुआ बनेगा हमेशा, देखना। इसको ड्रेन कर दिया है पानी को। अब मैं 3-4 लेमन्स का जूस ले लूँगी, क्योंकि इसमें ना बहुत सारा लेमन जूस हम यूज़ करने वाले हैं अलग अलग एलिमेंट्स में। तो मैंने एक साथ ही 2-3 लेमन्स को कट करके रख लिया और फिर जूस कर लिया। ये जो आप लेमन सिट्रस जूसर देख रहे हो ना, ये मैंने टारगेट के डॉलर स्पॉट से लिया था, एंड आई एम इन लव विद इट। बहुत अच्छा लगता है मुझे, और ये मार्कडाउन में था, कुछ $1.50 का ही मिल गया था। तो सालसा बनाने के लिए मैंने थोड़े से प्याज, थोड़े से टमाटर, बॉईल किए हुए कॉर्न एंड पीस डाले हैं, और छोटा छोटा चॉप किया हुआ पार्सले। आज मेरे पास धनिया नहीं था इसलिए पार्सले डाल रही हूँ, वैसे मुझे धनिया का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है। साथ में डाल रही हूँ थोड़ा सा लेमन जूस, सॉल्ट और पेपर, और साथ में थोड़ा सा भुना हुआ जीरा। भुना हुआ जीरा ना मैक्सिकन लोग बहुत खाना पसंद करते हैं, तो मैक्सिकन डिशेज में जीरे का बहुत स्वाद होता है और सालसा को एक बहुत अच्छा डायमेंशन देता है जीरे का टेस्ट। तो ये सालसा तो बन के रेडी है, तो हमारा पहला एलिमेंट बन गया। अब बनाते हैं अगला। अगला मैं बना रही हूँ ग्वाकमोले। तो ग्वाकमोले या ग्वाक, उसके लिए मैंने यहाँ ना 3/4 एवोकाडो लिया, 3/4 से थोड़ा कम ही है एक्चुअली, यू कैन से यस 2/3। तो मीडियम साइज एवोकाडो है, उसका 2/3 पोर्शन ले रही हूँ और 1/3 मैं बचा रही हूँ ड्रेसिंग बनाने के लिए। एज यू नो एवोकाडो में बहुत सारी कैलोरीज भी होती हैं, तो फिर ज़्यादा एवोकाडो मैं यूज़ नहीं करना चाहती। बेसिकली इट्स मी एंड माई हस्बैंड ओनली हु आर गोइंग टू ईट दिस। बच्चे तो नहीं खाते हैं अभी ग्वाकामोले एज सच। तो ग्वाकामोले बनाने के लिए मैंने 2/3 एवोकाडो में थोड़े थोड़े प्याज टमाटर डाले हैं, वही लेमन जूस, सॉल्ट एंड पेपर डालकर इनको अच्छे से मैश एंड मिक्स कर दिया है, और हमारा एक और एलिमेंट रेडी हो गया है बरीटो बोल के लिए। बरीटो बोल्स ना बहुत ही होलसम लगते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। नेक्स्ट फहीतास जिनकी मैं बात कर रही थी, उनको बनाने के लिए मैं इस तरह से लंबी लंबी बेल पेपर्स को काट दूंगी। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं ये बहुत बनाती हूँ। एक्चुअली मेरे बच्चे ना इस तरह से स्नैकिंग के लिए पेपर्स खाना बहुत पसंद करते हैं, तो जब भी मैं एवरीडे यूज़ में बनाती हूँ ना, तो बस मैं उसमें अनियंस नहीं डालती हूँ, पिज़्ज़ा सीजनिंग डालती हूँ और ऐसी लंबी लंबी पेपर, और मेरे बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। आज मैं स्पेशली बरीटो बोल के लिए बना रही हूँ, तो बस 1 चम्मच ऑलिव ऑयल में प्याज पेपर्स डाल दी और मिक्स्ड हर्ब्स डाली हैं। बस उनको पका लेंगे जब तक थोड़े थोड़े ग्रिल्ड मार्क्स आ जाएँ,
और साथ में ना मैंने राजमा लंच में रेगुलर राजमा चावल टाइप के राजमा बनाने हैं बच्चों के लिए, राजमा तरी वाले, तो उसका तड़का भी मैंने साथ साथ ही शुरू कर दिया। और अब यहाँ पर मैं किनुआ को लेमन जूस और कटा हुआ पार्सली डाल के किनुआ को कन्वर्ट कर रही हूँ सिलेंट्रो लाइम किनुआ में, यानी कि सिलेंट्रो लाइम राइस में। देखिए कितना फ्लफी किनुआ बना है, बस इसमें लेमन जूस और ये मिल जाने से बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है। और साइड बाय साइड मेरा लंच के लिए राजमा का तड़का भी रेडी हो रहा है। प्याज पीस के डाल दी, वो रेगुलर तड़का है, वही जिंजर गार्लिक का पेस्ट देन प्याज। और यहाँ पर मैं रीफ्राइड बीन्स बना रही हूँ, जिसमें मैंने अगेन 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल डाला, जीरा डाला और फिर बॉयल किए हुए राजमा डाल दिए हैं। और इसमें कोई भी खास मसाला अलग से नहीं, सिर्फ 1 टीस्पून मैं टैको सीजनिंग डाल रही हूँ। टैको सीजनिंग ब्लेंड है पूरा मैक्सिकन, इसमें सब कुछ ही होता है, तो और कुछ अलग से डालने की ज़रूरत ही नहीं है। और अब राजमा को ना थोड़ा थोड़ा मैश कर देंगे तो वो अच्छा लगेगा। और साथ में हस्बैंड जी जाने से पहले सिर्फ यही हाफ एन एवोकाडो खाकर जाते हैं, और मैं भी सुबह सबसे पहले वही खाना पसंद करती हूँ। तो ये रहा हस्बैंड जी का बिफोर लीविंग मील। मिल्क है थोड़ा सा, थोड़ा एवोकाडो है, एवरीथिंग बेगल सीजनिंग के साथ और सोक्ड आलमंड्स। और साथ में चलिए अब हम बनाते हैं अपने 1/3 बचे हुए एवोकाडो से एक ड्रेसिंग क्विक सी। तो यहाँ पर मैंने ना एक डीसीडेड एलेपिनो पेपर ली है और साथ में वो 1/3 एवोकाडो, थोड़ा सा अनियन, आधा अनियन और पार्सले, एक छोटा सा बंच ऑफ पार्सले है। 1/3 कप ऑफ इसमें दही डाल रही हूँ। और इसमें ना मैं लेमन जूस डालना भूल गई थी, आप डाल लेना, बहुत अच्छा लगेगा। और साथ में नमक और 1 टीस्पून हनी। ये ड्रेसिंग इतनी टेस्टी बनती है कि बहुत मज़ा आ जाता है, आप ज़रूर ट्राई करना और मेरे साथ शेयर करना आपको कैसी लगी। तो ड्रेसिंग थोड़ी सी हस्बैंड के लिए डायरेक्टली मैंने स्टील बोल में डाल के रख दी है। और अब मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट के लिए ये बेसन के 2 चीले बनाने वाली हूँ फटाफट से, जिसमें मैंने बेसन लिया है, हेम्प सीड्स डाले हैं, जीरा पाउडर और नमक और पेपर डाल रही हूँ और साथ में थोड़ा सा ड्राइड पार्सले। अब इस सब को पानी डालकर एक स्मूथ बैटर बना लूँगी और साथ में मैं 2 चीले फटाफट से बना दूँगी। एज आई सेड, वी आर ट्राइंग टू ईट ग्लूटन फ्री ओनली, तो मुझे चीले बड़े कन्वीनियंट लगते हैं। आप मुझे और भी कोई ऑप्शंस देना है, मुझे मुझसे डिस्कस करना व्हाट यू प्रेफर। मैं तो आजकल हर कुछ बना बना के ट्राई कर ही रही हूँ एंड आई वुड लव टू हियर योर आइडियाज एज वेल। चीले बन रहे हैं, राजमा का तड़का लग रहा है और साथ साथ अब मैंने सोचा मैं पैकिंग शुरू कर देती हूँ लंच बॉक्स की, क्योंकि एज आई सेड बहुत जल्दी जल्दी सब करना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने किनुआ रखा है इस बोल में। मैंने ना इस तरह से पैक किया था बरीटो बोल की जो कच्ची चीज़ें हैं बेसिकली, जिनमें से पानी निकल सकता है, वो एक अलग बॉक्स में और जो पकी हुई चीज़ें हैं वो अलग बॉक्स में। तो सबसे पहले किनुआ रखा और साथ साथ मैं इस चीले को भी देख रही हूँ। किनुआ के ऊपर ही मैंने डाल दी है थोड़ी सी रिफ्राइड बीन्स और इसी के साथ डाल देते हैं फहीतास। काफ़ी होलसम मील हो जाता है ये, बहुत टेस्टी एंड इक्वली हेल्दी, बिकॉज़ आपने देखा ही ना ज़्यादा तेल का इस्तेमाल हुआ है और कितने सारे फ्रेश इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। इस टाइम तक मेरी बिटिया भी आ चुकी है, उसका भी स्कूल है एंड आई हैव गिवन हर हर मॉर्निंग मिल्क और वो बैठकर आराम से इंजॉय कर रही है व्हाइल आई पैक माय हस्बैंड्स लंच बॉक्स। तो मैंने थोड़ा सा लेटस चॉप करके रखा, बीच में सालसा रखा है यहाँ पर और रख रही हूँ गुआकामोले। ड्रेसिंग हम पहले ही एक अलग बॉक्स में पैक कर चुके हैं, तो चलिए अब फाइनली पूरा लंच बॉक्स असेंबल करते हैं। एंड समटाइम्स व्हेन आई शेयर शॉर्ट्स तो लोग बोलते हैं ज़्यादा खाना है, भाई प्लीज़ समझो कि मैं पूरे 12 घंटे के लिए खाना पैक कर रही हूँ। ही विल बी गॉन फ्रॉम 6:30 इन द मॉर्निंग टू 6 इन द इवनिंग एंड दिस इज़ प्रेटी मच ऑल दैट ही इज़ गोइंग टू ईट। हम बाहर का खाना काफ़ी अवॉइड करते हैं एंड बिल्कुल भी अलाउड नहीं है मिस्टर हस्बैंड को कुछ एज सच खाना।
आप अगर मेरी वीडियोस फॉलो करते हो तो यू नो व्हाई आई एम सेइंग दैट वी आर फाइटिंग एन ऑटो इम्यून डिजीज़। तो उसी वजह से मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि हम बहुत क्लीन और अच्छा हेल्दी खाना खाएं। एनीवेज, ये लंच बॉक्स मैंने टारगेट से लिया था, काफ़ी अच्छा है। इसमें दो सेक्शंस हैं, एक ठंडे खाने के लिए और एक गर्म। और ये सैलेड, दही और ड्रेसिंग मैंने ठंडे सेक्शन में रख दिया। साथ में रखा है एक पेयर, और दैट इज़ प्रेटी मच इट फॉर हिज लंच बॉक्स टुडे। कभी कभी मैं साथ में थोड़े से ड्राइड फ्रूट्स भी रख देती हूँ, जो कि मैं आज रखना भूल गई। एनीवेज, हस्बैंड जी तो गए, अब मुझे बनाना है डॉटर का ब्रेकफास्ट और लंच बॉक्स भी। तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे लगते हैं ना मेरे पराठे देखकर, तो देखिए आज मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करती हूँ कि मैं ऐसे बनाती हूँ। बेसिकली ना, आटा बहुत अच्छा गूंदा हुआ होना चाहिए। एक तो ना आटे में मुक्की देना बोलते हैं ना, तो वो अच्छे से ग्लूटेन डेवलप हो जाता है आटे में। एक तो आटा अच्छा गूंदा होना चाहिए, उसके बाद आप उसको फर्स्ट टाइम बेल के घी अच्छे से लगाओगे ना, तो आपके पराठे बहुत अच्छे से बनेंगे। बस घी लगा के अंदर की तरफ घी भर के नमक लगा के मैं इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। ये पंजाबी घरों में बहुत बेसिक पराठा होता है, रोज़ बनता है। और अब लंच बॉक्स के लिए मैं बेटी का इसी तरीके से बना रही हूँ, लच्छा पराठा, जिसको मैं ऐसे साड़ी की प्लीट्स की तरह फोल्ड कर रही हूँ। देखिए, मैं जब भी राजमा या छोले वगैरह बनाती हूँ ना, तो बेटी को इसी तरह से रैप करके दे देती हूँ, वो खुश हो जाती है। देखिए, लच्छा पराठा ऐसे साड़ी की प्लीट्स की तरह फोल्ड करने के बाद इसको ऐसे स्विस रोल की तरह फोल्ड करना है, और एक्स्ट्रा पोर्शन नीचे टक इन कर दिया है। उसके बाद अब इसे हल्के हाथ से रोल करेंगे, और तब तक ब्रेकफास्ट वाला पराठा पका लेते हैं घी लगाकर। मेरी बेटी बस ये छोटू सा पराठा खा के जाती है। लंच उनका होता है at 12 इन द नून, तो मुझे तसल्ली रहती है अगर वो थोड़ा बहुत ये खा जाती है ना, तो बस ये छोटू सा पराठा खा लेती है। और राजमा बने हैं तो आज तो वो वैसे ही खुशी से खा लेगी। अब पढ़ते हैं फिर से लंच बॉक्स वाले लच्छे पराठे की तरफ। तो ना मैंने साथ में, आप देखोगे, थोड़ी सी मोजरेला है मेरे पास, स्लाइस करके मैंने रख ली है पास में ही। इस लच्छे पराठे को बिल्कुल भी ज़्यादा जोर नहीं देना है बेलते हुए, वरना आपकी जो आपने प्लीट्स बनाई है ना, वो एकदम मर्ज हो जाएंगी एक दूसरे में और ये रोटी बन जाएगा। तो आप इसको ना ज़्यादा जोर देकर मत बेलना, बस हल्के हाथ से बेल दो। उसके बाद इसी तरह से इसे पका लेंगे। और पराठा पकाते हुए ना, एक मेरी मम्मी की टिप है बहुत बढ़िया, कभी भी ना पराठे को कम सेक पर मत बनाओ, अच्छे सेक पर, तेज सेक पर, लेकिन जल्दी जल्दी पलट के बनाओगे ना तो बहुत अच्छा पकेगा पराठा। आप देखिए मैं कितनी जल्दी जल्दी पलट रही हूँ ना, तब वो बहुत अच्छे से पकने के निशान आते हैं। और पूरी ऊपर और नीचे की लेयर अच्छे से पक भी जाती है, और देखिए लच्छे पराठे में कितनी अच्छी लेयर्स बनी है। अब मैं इसमें राजमा भर दूंगी जो फ्री फ्राइड बीन्स के लिए बनाए हुए हैं, और साथ में लगा देंगे थोड़ी सी चीज़। मेरी बेटी को तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, आप भी ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि आपके बच्चों को ये कैसा लगा। आप चाहो ना तो इसमें कुछ सैलेड वगैरह भी डाल सकते हो, लेकिन आज तो मैं ऐसे ही बस राजमा और चीज़ वाला बना के दे रही हूँ, और मेरी बेटी ने शौक से खाया। मैं जब भी ऐसा वाला बनाती हूँ ना, बेसिकली वो फिनिश ही करके आती है, पक्का है ये मुझे। तो यहाँ पे मैं मोजरेला के स्लाइसेस लगाकर इसको फोल्ड करके एज अ टैको बना के दूंगी, थोड़ा क्रिस्पी क्रिस्पी करके। इसको थोड़ा सा दबा के अच्छे से पका लेंगे, चीज से ये अपने आप ही सील हो जाएगा। अब मैं बेसिकली इसको दो पार्ट्स में कट कर रही हूँ ताकि खाना आसान हो, और मिनी मिनी टैकोस बन गए हैं हमारे लंच बॉक्स के लिए। और अब क्योंकि बेटी की बस आने में काफ़ी टाइम है, 7:15 पे बिटिया जाती है स्कूल, तो मैंने सोचा मैं फटाफट से थोड़ा सा किचन क्लीन अप कर लूँ, मेरे पास टाइम है तो। और मीनवाइल मेरे राजमा का तड़का भी रेडी हो गया था, तो मैंने सबसे पहले तो उसे सीटी लगवाने के लिए रखा,
उसके बाद किया थोड़ा किचन क्लीनअप, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे विक्ट्री फील होता है अगर मैं बस आने से पहले क्लीनअप भी कर पाती हूँ जिस दिन, क्योंकि उसके बाद ना मैं अपना फुल टाइम एंजॉय कर पाती हूँ, चाहे मैं एक्सरसाइज करूँ चाहे मैं कुछ भी करूँ, मेरे पास टाइम होता है अपने लिए, कभी मैं एडिटिंग करती हूँ कभी एक्सरसाइज, तो मैं फटाफट क्लीनअप करने पर ध्यान दे रही हूँ। आपने देखा कि मैंने कैसे सारा जो वेजिटेबल्स का कचरा था वो एक बोल में इकट्ठा किया था, इसलिए क्लीनअप कितनी जल्दी आसानी से हो गया। और उसके बाद मैंने खाली किया डिश वॉशर, जो रात को डिशेस लगे थे डिश वॉशर में वो धुल चुके थे, और अब मुझे टाइम मिला तो मैंने फटाफट से अब डिश वॉशर खाली किया। और डिशेस रखते रखते ही आई रियलाइज्ड कि लिटिल वन, माई 3 ईयर ओल्ड डॉटर, डिसाइडेड टू जॉइन अस टुडे। वैसे वो कभी कभी 8 साढ़े 8 बजे तक सोती है, लेकिन आज मैडम जी उठ गई हैं सुबह सुबह ही, तो अब मेरा चैलेंज थोड़ा सा बढ़ गया है क्योंकि बस भी आने वाली है, अब मुझे उसे भी अटेंड करना है, एंड बोथ माई किड्स जनरली वेक अप हंग्री, तो मैंने फटाफट से फिर से तवा रखा, और दिस वॉज द टाइम आई डिसाइडेड कि ठीक है चलो आज एक्सरसाइज छोड़ो, पहले चाय बनाओ, बिकॉज लिटिल वन इज वेक अवेक एंड आई नीड मोर एनर्जी टू हैंडल हर, तो फिर तो चाय बनती ही है राइट। तो मैंने चाय भी रख दी ताकि जब तक मैं बस ड्रॉप करके आऊँ चाय भी बन जाए, और छोटी छोटी बिटिया को भी नाश्ता दिया, सेम पराठा एंड राजमा, और बड़ी बिटिया का लंच बॉक्स पैक किया जिसमें वही टैको एप्पल और फहीताज हैं। उसके बाद हो गया बाल बनाने का टाइम, अब भाई छोटी बेटी उठ चुकी थी तो थोड़ा जल्दी जल्दी वाला टाइम शुरू हो गया था, बिकॉज़ यू नो अटेंडिंग बोथ ऑफ देम एट द टाइम जब देर हो रही हो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट ठीक है। फिर मैंने फटाफट से बिटिया की 2 चोटी बनाई, विच शी ओनली डिसाइड्स, एवरी डे आई गेट अ न्यू डिमांड कि आज ऐसा हेयर स्टाइल चाहिए या आज वैसा, बिटिया खुद ही बताती है, खुद ही अपने रबर्स वगैरह चूज करती है, हेयर टाइज वगैरह खुद डिसाइड करती है, अब वो बहुत बड़ी हो गई है भाई। दिस इज़ अ लिटिल ऑल ऑफ द मदर्स लव जो मैं उसे रोज़ स्कूल जाने से पहले कस के जफ्फी पा के देना चाहती हूँ, सो दैट शी ऑलवेज नोज आई एम देयर। एंड देन हम बड़ी दीदी को स्कूल छोड़ कर आ गए हैं, आई मीन बस तक ड्रॉप करके आ गए हैं, और ये मेरा नन्ना मुन्ना साथी जो जल्दी उठ गया है, मम्मी के 1 घंटा जो पीस का मिलने वाला था वो अब नहीं मिलने वाला है। एनीवेज उसके लिए हमने चाय शुरू कर ही दी है, एंड दिस इज़ द ब्यूटिफुल मॉर्निंग हेयर, कितना अच्छा स्काई, कितना अच्छा वेदर है, यहाँ बहुत खुली हवा है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, एंड दिस इज़ हाउ द गार्डन इज़ ग्रोइंग अप। आप मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है कि ये वाले सनफ्लावर मैंने सीड्स अंदर शुरू करके यहाँ ट्रांसफ़र किए थे, एंड आई एम स्टिल वेटिंग फॉर देम टू फ्लावर, और ये वाले कुछ पौधे हैं जो मैंने नर्सरी से लाके लगाए थे। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इनकी लेटेस्ट पोजीशन क्या है, और मैंने इनको फर्टिलाइज़र दिया उसके बाद ये कितने अच्छे ग्रो हो रहे हैं, बहुत अच्छे फ्लावर्स आ रहे हैं आजकल, और दिल खुश हो जाता है रोज़ देख के ही। मैंने शॉर्ट्स में आपके साथ शेयर भी किया, आप ज़रूर देखना। सुबह सुबह बेटी को छोड़ के आने के बाद मैं ज़रूर अपने गार्डन को अच्छे से देखती हूँ कि रात भर में क्या प्रोग्रेस हुई या क्या नहीं हुई, कोई कीड़े तो नहीं आ गए, और फ्लावर गार्डन के साथ साथ मैं वेजिटेबल पैच को भी देख लेती हूँ थोड़ा सा। जुकीनी में अब काफ़ी फ्लावर्स आने शुरू हो गए हैं और बहुत अच्छा लगता है उसे देख के, और मटर की हार्वेस्ट तो मैंने आपको दिखाई थी, और साथ ही साथ एक और बैच भी रेडी हो रहा है हार्वेस्ट करने के लिए। रेडिशेस भी काफ़ी हद तक तैयार हैं, मे बी नेक्स्ट वीक आई विल हार्वेस्ट एंड शेयर। बीन्स के छोटे छोटे ही पौधे हैं लेकिन उन पे बीन्स काफ़ी आने लग गई हैं ऑलरेडी।
ये वाले जो सनफ्लावर्स आप देख रहे हो, ये मैंने डायरेक्ट यहीं सीड्स डालकर शुरू किए थे। और ये है मेरा थोड़ा सा छोटा सा ग्रीन पैच, और ये है अगेन ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम माय बैकयार्ड। एंड नाउ दिस लिटिल वन हु इज़ अ लिटिल स्लीपी एज वेल एज नॉट सो स्लीपी, उसको लेकर चलते हैं अंदर। और एनर्जी लाती हूँ मैं इस चाय के साथ, और इसी चाय के साथ मैं व्लॉग को भी एंड कर रही हूँ। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।